आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की ये 25 बातें ठीक से सुन समझ लो, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन 25 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना, क्योंकि जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो उनका सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से खुद का काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा कोई आपको मिल नहीं रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे हजार ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका टॉर्चर सहते रहते हैं, तो आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं और वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आप 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान और आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने के। आप चाहे हजार उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन को दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख ही काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी आपके साथ जिससे आप जिंदगी में कभी आगे ही ना बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज होते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके मोहताज हों और वो आपका फायदा ना उठाए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाना। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें अकेला छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्ष्ठानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग,
कि कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का ये उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना, दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रखते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि ऐसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तो गुरुजी ने उसे एक तावीज़ बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस तावीज़ में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पे ये तावीज़ खोल के तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर, पूरे शहर को छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पे राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक तावीज़ दिया था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब इसे खोल कर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वो मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वो तावीज़ खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई, विश्वास जगा कि ये जो बुरा वक्त है ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी निकल ही जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी, वापस से अपनी सेना खड़ी करनी है। और उस राजा ने वापस से अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पे हमला करके अपना राज्य वापस प्राप्त किया। तो जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वो भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर बदल जाएगा। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आया, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में ये विश्वास रखना कि ये वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा, इसलिए अपनी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश ये है कि जब कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर ना लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगा के घूमते हैं, यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आएगा तो भी आपको उसका असली रंग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए किसी पे भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए, क्योंकि दुनिया के ये लोग ना कभी किसी के हुए हैं और ना कभी किसी के होंगे। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में कहा है, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दिल मुझमें लगा दे, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, कोई तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इस दुनिया में ना दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। यहाँ कदर होती है मतलब की, फायदे की, कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है,
तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं तो उस पर यकीन मत करिए। वो सिर्फ एक मुखौटा है, आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। गीता की पांचवी शिक्षा यह है कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के दुख में जीते रहोगे, उसके पश्चाताप में जीते रहोगे, तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग जो समय चला गया है उसका दुख कभी नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब ये जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे हम, और जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार ना लोग रोते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसलिए आज जिंदगी में मैं इतना दुखी हूँ। लोग कोसते रहते हैं दूसरों को कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आज आप जरूर बदल सकते हो। कल के दुख से छूटना चाहते हो तो कल में नहीं, आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। आपको सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। तो जितना हो सके अपने पास्ट को भूल जाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है, जहर बना दिया है। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वो आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा ही नहीं सकता। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वो उसके लायक नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करो जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं है। जहां आपको ये एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपके भावनाओं की किसी को कदर तक नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें। गीता का सातवां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी ना पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में, पर जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, ये भाइयों के आपस की लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर कोशिश करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और वही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह से हुई, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसे जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा चलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं,
लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा हो रहा है। गीता का आठवां उपदेश ये है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूट के कंगाल कर देगी। पांडव की कहानी ये शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। जो पांडव हमेशा धर्म पे चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई, भिक्षा लेकर के उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। कारण क्या था? वो कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे थे। ये तो तब की बात है और आज की दुनिया तो और बदल चुकी है। लोग न अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा चलते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे। आप जितना लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, लोग आपके साथ उतना गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपका उतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं और लोग सिर्फ आपका एडवांटेज लेने में लगे रहते हैं। इसलिए आज के जमाने में खुश रहना है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अपनी नजर में अच्छे बन के रहो। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। गीता का नवा उपदेश यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के। तब शकुनि ने दुर्योधन से कहा कि ये कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर पे रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। गीता का 10वां उपदेश ये है कि कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं, तो ये पांडवों को तो मैं यूं ही मसल के रख दूंगा। अपने धन का अभिमान था, अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वो अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन का मामा शकुनि और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, पग पग पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चला, और उसका परिणाम दुर्योधन को ये मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी जो उसको भी धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए,
आपसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। वो इंसान अगर एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती करे उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है उससे, वो उसकी आदत है, वो ऐसा ही है, वो हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। तो बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी को अगर एक बार आप माफ भी कर रहे हो तो उस इंसान से आप जरूर सावधान रहना। कहते हैं आजमाए हुए को फिर आजमाना मिट्टी मुंह में डालने के बराबर होता है। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पे भरोसा गलती से भी मत करना। तो माफ उतना ही करो जितने में आप बेवकूफ ना लगो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पे नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। रही मन निज मन की व्यथा, निज मन राखो लेह। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जिसे उसे समझने की समझो। गीता का 14वां उपदेश यह है, आप चाहे कितने भी अच्छे हों लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत संग में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो खाली इनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छे संग में रहना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वो आपके लिए मन में वैर भाव रख के बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। गीता का 16वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वो हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसे ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। गीता का 17वां उपदेश यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वो जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 18वां उपदेश है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। गीता का 19वां उपदेश यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है, इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का 20वां उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो।
सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पे विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि ये तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वो किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ, क्योंकि वो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं। वो आपका सहारा कैसे बनेंगे दोस्त? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश यह है, जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए, आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस खड़े की तरह होते हैं जिसके मुंह पे तो अमृत लगा है लेकिन जिसके भीतर जहर भरा हुआ हो। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वो जहर ही होता है। विषकुंभम पयोमुखम। तो ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करे और पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाए। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, वो रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए, पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई बिल्डिंग पूरी तरह से भंगार हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नवनिर्माण होता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। गीता का 25वां उपदेश यह है कि इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, किसी भी फील्ड में आप देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, इतनी चोरियां बढ़ गई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं ना कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वो समय तो आ गया है। इंसान ही तो इंसान को खा रहा है, एक दूसरे का बिजनेस खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है, एक दूसरे की जिंदगी की खुशियां खा रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो, यही तो हो गया है आजकल। कहने को तो सब इंसान है लेकिन इंसानियत कहीं दिखती ही नहीं है। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने उस सेठ से कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चल के आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो वो सेठ बोला कि अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने सेठ से कहा, आप कृपया करके मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊँगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में किसी का घर भी नहीं दिख रहा। तो उस सेठ ने कहा, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वो आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। फिर वो भिखारी उस सेठ से कहने लगा कि तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ,
आजकल यही हो गया है। यहाँ कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसलिए ही कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब से ही जुड़े हुए हैं। तो गीता की ये 25 बातें अगर आप ठीक से समझ लेंगे और इन्हें हमेशा याद रखेंगे तो विश्वास रखना, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपके मन को और आपके दिल को चोट पहुंचा सके, आपको दुखी कर सके। ये 25 शिक्षाएं अगर आप हमेशा याद रखोगे तो जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे।